सबसे पहले ये हम लोग आउटर मोस्ट लेयर को नाम दे दिए एपिडर्मिस, लेकिन रूट के एपिडर्मिस के लिए हम लोगों ने नाम बदल दिया। क्या नाम रखा हमने? रूट के बाहर वाले टिश्यू को, एपिडर्मिस को, एक नए नाम से जानते हैं, एपिब्लेमा, या इसका नाम है पीलीफेरस लेयर। इसके कई नाम हम बताएंगे जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ रूट को डिस्कशन करेंगे, तो हम एक इसमें कहानी भी बताएंगे कि ये नामों को हम कैसे याद रखें। नाम याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पीलीफेरस लेयर इज एन लेयर ऑफ, अब हमको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो अभी जो अभी तक तो हम लोग रटने का काम कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम लोग रटने से बिल्कुल दूर जा रहे हैं, है ना, और कोशिश कर रहे हैं चीजों को समझने का, टेक्निक समझना है। और जितने भी नाम अभी हम बताएंगे, रूट के बाहर वाले लेयर को कई नाम से जानते हैं। हमने अभी दो नाम लिखा है, एपिब्लेमा, दूसरा नाम है पीलीफेरस लेयर, तीसरा नाम है राइजोडर्मिस, और चौथा इसका नाम है एक्सोडर्मिस। ये कई नामों से जाना जाता है। सभी नामों को हम लोग एनाटॉमी ऑफ रूट में डिस्कशन करेंगे और उन चारों नामों को, पांचों नामों को याद करने की कला सीखेंगे, याद करने का टेक्निक सीखेंगे, ताकि तुम इसको कभी नहीं भूलो। तो उसमें एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी पे बेस्ड सारे नाम्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किए, रूट के एपिडर्मिस को क्या किस नाम से जानते हैं। तो फिलहाल अभी बच्चों मेरे साथ साथ तुम लोग भी बोलो किस नाम से जानते हैं। पहला नाम एपिब्लेमा, रिपीट करो, कौन सा नाम है? एपिब्लेमा, वेरी गुड। फिर बोलो कौन सा नाम हुआ? एपिब्लेमा। दूसरा नाम बोलो, दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? पीलीफेरस लेयर। क्या नाम है बच्चों? पीलीफेरस लेयर, वेरी गुड। फिर रिपीट करो, अब तक दो नाम सीख गए, कौन कौन सा नाम सीखे हमने? पहले नाम को बोला गया एपिब्लेमा और दूसरे नाम को क्या कहे? पीलीफेरस लेयर। ये किसका नाम बताया? रूट के एपिडर्मिस का नाम। तो रूट के एपिडर्मिस को किन किन नामों से जाने हम लोग? अब तक दो नाम सीखे हैं, पहला एपिब्लेमा और दूसरा पीलीफेरस लेयर। अब हम लोग एक और नाम अभी याद कराते हैं और कहते हैं इस नाम, तीसरा नाम इसका है राइजोडर्मिस। क्या नाम है इसका? राइजोडर्मिस। तो हम लोग ये तीसरा नाम भी यहां पे लिखते हैं, राइजोडर्मिस, है ना। तो कई नामों से जानते हैं किसको? रूट के एपिडर्मिस को। स्टेम के एपिडर्मिस के बारे में ये बातें लागू नहीं होंगी, लीफ के एपिडर्मिस के बारे में ये बातें लागू नहीं है। रूट, स्टेम और लीफ तीन ही हमारे पास में इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमारे पास में तीन ऑर्गन्स हैं, तीन स्ट्रक्चर के एनाटॉमी को हमको पढ़ना है, एक रूट का, दूसरा स्टेम का और तीसरा लीफ का। तो हमने क्या कहा? रूट के एपिडर्मिस को क्या कहा? नाम बताओ, एपिब्लेमा या पीलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये रूट के आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या था? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसके सहारे वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था? तो ये दिखा रहे हैं एक रूट है, रूट अपने बॉडी से हेयर, बहुत से हेयर को ग्रो करा चुका है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर का एक्सटेंशन होता है रूट हेयर, जो बाहर का लेयर है ना वही एक्सटेंड कर गया है और बहुत से यूनिसेलुलर हेयर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो हेयरी स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, ये इसी का पार्ट है जो एक्सटेंड कर गया है हेयरी स्ट्रक्चर में। तो रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसी का पार्ट था, ये अलग से कोई ऑर्गन नहीं था। तो हम लोग क्या कहेंगे? एपिब्लेमा, रूट के हेयर का, रूट के एपिडर्मिस को किस नाम से बोले? एपिब्लेमा। और क्या कहेंगे? एपिब्लेमा ये एक्सटेंड कर गया और एक्सटेंड कर करके क्या बना दिया? बहुत सा रूट हेयर बना दिया। तो और जब ये रूट हेयर बनाया तो उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर था। क्या पर्पस था इसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट, है ना। प्लस यहां पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्ट, हमेशा हम लोग कहेंगे प्लांट बिस्लेरी का पानी ही पीता है, कभी भी सादा पानी नहीं पीता है, सॉल्टेड वाटर लेता है ना। हम लोग बिस्लेरी का पानी पीते हैं, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, प्लांट जन्म जन्मांतर से हजारों साल पहले से कैसा पानी पीता आ रहा है? ये मिनरल वाटर ही पीता है। तो कौन सा पोर्शन वाटर एब्जॉर्ब किया? तो रूट एब्जॉर्ब किया। रूट में कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब किया? तो हम लोग क्या कहेंगे? रूट में एक स्पेशल पोर्शन का नाम हम बताए, रूट हेयर। तो ये रूट हेयर था जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा था। रूट हेयर किससे बना? एपिब्लेमा
का एक्सटेंशन है और नेचर में कैसा है, एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए एपिब्लेमा ट्यूब के समान एक सेल के बने हुए यूनिसेलुलर एंड ट्यूबुलर क्या बना दिया, रूट हेयर बना दिया। तो रूट हेयर का नेचर पता चल गया, ये कैसा होगा, ट्यूब के समान। कितने सेल का बना होगा, एक सिंगल सेल का, इसीलिए हम लोग कैरेक्टर क्या बोलेंगे, दे आर यूनिसेलुलर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, दे आर यूनिसेलुलर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, दे आर ट्यूबुलर, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है और हम लोग इसका नाम रखे रूट हेयर। एपिडर्मिस नेवर क्यूटिनाइज्ड, इसमें कभी भी है ना, हम लोग कहेंगे रूट के एपिडर्मिस में कभी भी वैक्सी लेयर क्यूटीन का डिपोजिशन नहीं होगा। फिर इसको ध्यान से समझो, ये याद करने की बात नहीं है, फिर समझने की बात है। प्लांट का कौन सा पोर्शन धूप में है, जो पोर्शन धूप में है उसको सनस्क्रीन लोशन की जरूरत है, और जो पोर्शन धूप में नहीं है उसको क्या सनस्क्रीन लोशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। रूट तो मिट्टी के नीचे है, रूट कहाँ है, मिट्टी के नीचे है, मिट्टी के नीचे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए उसको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई क्यूटिकल, कोई वैक्सीलेयर, कोई सनस्क्रीन लोशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा ना कि समझना है, चीजों को रटना नहीं है, कहां मिला कहां नहीं मिला रट लिए, नहीं बिल्कुल नहीं रटेंगे हम लोग, समझेंगे। स्टेम में और लीफ में क्यों मिला वैक्सीलेयर, क्योंकि उसको फेस करना है, किसको फेस करना था, सनलाइट को फेस कर रहा था, धूप को, गर्मी को, स्कॉर्चिंग हीट को फेस कर रहा था। इससे बचने के लिए प्लांट अपने बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में जो वो धूप से फेस करने वाला था, सनलाइट से फेस कर रहा था, उससे बचने के लिए वो क्या लगाया था, वो सनस्क्रीन लोशन लगाया था, जिसका नाम क्या रखे थे, आइदर क्यूटिकल और हम लोग कहें सुबेरीन। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों चीजें कहां एब्सेंट है, रूट में नहीं मिलेंगी। क्यों, समझ में आ गया ना बच्चों, क्योंकि रूट कहाँ है, मिट्टी के नीचे है, और मिट्टी के नीचे कौन नहीं पहुंच पा रहा है, सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। क्या सनलाइट मिट्टी के नीचे गड्ढा करके पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब मिट्टी के नीचे के पोर्शन को हम लोग रूट कहते हैं, रूट में कभी भी इन चीजों का डिपोजिशन नहीं होगा, तो कभी भी क्यूटिकल नहीं मिलेगा, और हम लोग क्या कहे, कभी भी इसमें स्टोमाटा भी नहीं मिलेगा। बेसिकली स्टोमाटा को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टोमाटा नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं नॉर्मली स्टोमाटा पत्ते पे पाया जाता है, या हम लोग कहते हैं एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट में मिलता है, जिसका कलर, जिसका नेचर कैसा होता है, तो ये पत्ते का पार्ट होता है स्टोमाटा। कैसा पोर है, छोटा छोटा टाइनी पोर है, स्मॉल, बहुत छोटा छोटा टाइनी पोर, इतना टाइनी पोर कि हम तो अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं। इसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की जरूरत है, किसकी जरूरत है, माइक्रोस्कोप की जरूरत है, इसीलिए टर्म यूज करते हैं टाइनी, मतलब बहुत छोटा। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि एपिडर्मिस पे, किसके एपिडर्मिस में, रूट के एपिडर्मिस में, जिसका नाम क्या बताए, उसका नाम बताए एपिब्लेबा, या उसका नाम बताए पीलीफेरस लेयर। तो रूट के एपिडर्मिस में या रूट के हम लोग कहेंगे पीलीफेरस लेयर में क्या नहीं मिलेगा, कभी भी क्यूटीन का लेयर का डिपोजिशन नहीं मिलेगा, और ना ही इसमें स्टोमाटा मिलेगा। फिर समझो स्टोमाटा क्यों नहीं मिलेगा, स्टोमाटा पत्ते पे मिलने वाला वो टाइनी पोर है जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। CO2 और O2 को जरूरत पड़ने पे ये इनटेक कर रहा है ना, CO2 और O2 को ये क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है, और इसी स्टोमाटा के थ्रू पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमाटा का दो काम हो गया ना, कौन कौन सा काम हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिन में CO2 को एब्जॉर्ब किया और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, और जब रेस्पिरेशन कर रहा था तो ऑक्सीजन का इनटेक कर रहा था और CO2 बाहर निकल रहा था। ये O2 और CO2 के एक्सचेंज का एरिया कौन सा था, तो ये एरिया था छोटा छोटा स्मॉल पोर पत्ते पे, जिसका नाम था स्टोमाटा। अब हम लोग क्या कहे, रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमाटा लीफ के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मिल रहा था, रूट में क्यों नहीं मिला। अब देखो तो रूट कहां है, रूट तो मिट्टी के नीचे है, और अगर रूट में स्टोमाटा निकलता तो क्या वहां पे एक्सचेंज के लिए स्पेस था, एक्सचेंज के लिए बहुत कम स्पेस था, नहीं के बराबर स्पेस था, इसीलिए वहां पे स्टोमाटा नहीं मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं
तो ये स्टोमाटा एपिडर्मल टिश्यू में हम लोग स्टोमाटा को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान लिए, है ना। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोमाटा। तो जब भी हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग स्टोमाटा की बात करते हैं, क्योंकि स्टोमाटा पत्ते में लीफ में मिलने वाला वो स्मॉल पोर है जो एपिडर्मिस के पे जगह जगह पे ब्रेक कर गया था। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जगह जगह पे जो ब्रेकेज पॉइंट था, जो टाइनी पोर था, उसका नाम स्टोमाटा दिया गया, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे कंसर्न करते हैं। अब हम लोग आते हैं पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, जब हम लोग पूरे टॉपिक को समझ लिए तो इसके फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, हम लोग एक एक करके फंक्शन को फिर समझेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, है ना। एक प्लांट में एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल का लेयर से बना हुआ था और इसका काम क्या था, मैकेनिकल इंजरी की बात हम लोग कर रहे हैं। जरा देखो और सोचो कैसे कैसे मैकेनिकल इंजरी होती है। हम लोग कभी साइकिल चलाते हुए पहुंचते हैं और एक पेड़ है, अपने साइकिल से उस पेड़ को, अपनी मोटरसाइकिल से उस पेड़ को जब रोक रहे होते हैं तो थोड़ा सा धक्का मार के रोक देते हैं, ऐसा अक्सर करते हैं। गुजर रहे होते हैं, कोई पेड़ दिखता है, एक थप्पड़ पेड़ को मारे, अननेसेसरी और आगे बढ़ गए, ऐसा करते हैं ना बच्चों। तो ये देखो उसको क्या हो रहा है, हम तो मजे में घूम रहे थे और एक थप्पड़ मार के आगे निकल गए। कोई आदमी बाइक चलाते हुए आया और एक झटका मारा, चक्के से लगा दिया किसको। और इंटरेस्टिंग बात तो तब होती है जब गाय की पीठ में खुजली होती है। गाय क्या करती है, एक स्टेम के पास में खड़ी हो जाती है और अपने पीठ को उस स्टेम से टच करके यूं यूं हिलाती रहती है। वो तो अपने पीठ को खुजा रही होती है, लेकिन प्लांट में क्या हो रहा होता, मैकेनिकल इंजरी कर रही होती है। तो देखो जाने या अनजाने, नोइंगली या अननोइंगली, ऐसा तुम लोग देखे होगे ना, नोइंगली या अननोइंगली क्या हो रहा है, मैकेनिकल इंजरी को कौन बचा पा रहा है बेचारा, वही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बाहर का कवरिंग था, यही इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो पहली बात क्या हो गई, ये किन चीजों से बचा रहा था। तो पहला हमने डिस्कशन किया मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरह का मैकेनिकल इंजरी हो सकती है उसमें, उससे बचा रहा था। अब एक एक करके देखते हैं। दूसरा, एक्सेसिव हीट और कोल्ड, हम लोग गर्मियों के दिनों में देखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस कई जगहों का टेम्परेचर हो जाता है, और जाड़े में अमृतसर में -4 डिग्री, है ना, कभी कभी हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जाड़े में तो 4 डिग्री 3 डिग्री अमृतसर का होता ही है ना। हम लोग अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ एरिया में -5 -10 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एक्सेस ऑफ हीट और एक्सेस ऑफ कोल्ड की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ हीट, राजस्थान के डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्सेस ऑफ हीट की बात कर रहे हैं ना। और जाड़े के दिनों में अमृतसर की बात कर रहे हैं, जाड़े के दिनों में जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ कोल्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे एक्सेसिव हीट और कोल्ड का इंपैक्ट अगर बॉडी के अंदर होगा तो क्या होगा, जरा सोचो। प्लांट के अंदर अगर हीटिंग इफेक्ट आ गया, अगर वो बॉडी के अंदर के सेल को गर्म हीट कर दिया तो एंजाइम कोगुलेट करने लगेगा, जमने लगेगा। और अगर एंजाइम कोगुलेट कर गया तो जान लो प्लांट की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑल द एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, एंड एंजाइम्स इज डीनेचर्ड अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई, एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन, एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, denaturation of enzyme। तो excess heat होगा तो क्या होगा, excess heat होगा तो enzyme का breakdown हो जाएगा, जिसको denaturation of enzyme करेंगे। और excess of cold होगा तो ये coagulate कर जाएगा। दोनों ही केस में enzyme अपने proper activity से हट जाएगा, और अगर plant में enzyme की activity समाप्त हो गई तो क्या होगा, plant का death हो जाएगा। इसका मतलब वो हीटिंग और कोल्ड इफेक्ट को अंदर तक नहीं आने देता है, प्रोटेक्ट कर लेता है उस हीटिंग और कोल्ड इफेक्ट को, ये बाहर, मतलब बाहर के हीटिंग और कोल्ड इफेक्ट को प्लांट के अंदर ये पेनिट्रेट करने से रोकता है। तो हम लोग कहते हैं प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और फ्रॉम एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड। और किन चीजों से बचा रहा था, एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड से बचा रहा था। ये पोटेंशियल पारासाइट से भी बचा रहा है, प्लांट को किससे बचा रहा है, तो पोटेंशियल पारासाइट से भी बचा रहा है। पोटेंशियल पारासाइट हम लोग किसको कह रहे हैं, ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा फंगस, ऐसा वायरस जो प्लांट को डिजीज क्रिएट करता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल पारासाइट। और ये अटैक कब कर पाता है,
जब एपिडर्मल में कहीं पे भी इसको रप्चर मिल जाए, कहीं पे क्रैक मिल जाए, तो ये अंदर आ सकता है, और अगर अंदर आ गया तो अंदर में आके इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसका एक और काम क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन कर रहा था फ्रॉम पोटेंशियल पैरासाइट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीचिंग इफेक्ट ऑफ रेन। हम लोग एसिड रेन की बात पढ़े होंगे, एसिड रेन की बात सुने होंगे, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस बहुत ज्यादा निकलती हैं, वहां पे जब बिजली कड़कती है और पानी बारिश होती है, उस समय ये गैसेस एटमोस्फेयर में पानी के साथ मिलके H2SO4, आगरे की बात हम लोग कर रहे हैं, आगरे में ताजमहल का जो कलर था ना, वो जो मार्बल का कलर था बिल्कुल दूधिया था, बिल्कुल मिल्की वाइट था, लेकिन आगरे में बहुत सी लेदर की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ होगा, है ना। तुम कभी आगरे गए होगे घूमने के लिए, तो पूरे उस एरिया में लेदर की इंडस्ट्री भरी पड़ी है, यमुना के किनारे किनारे। अब वहां से जो गैसेस निकल रहा था वो एटमोस्फेयर में क्लाउड के फॉर्मेशन के समय, वो गैसेस जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़कती थी, तो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, और H2SO4 और HCl के फॉर्म में, ये बारिश के फॉर्म में नीचे गिर रहा हो। ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं, ऐसे वाटर को कहते हैं एसिड रेन। क्या नाम दिए हम लोग इसको, एसिड रेन। अब सोचो, ये एसिड रेन के चलते मार्बल का कलर खराब हो गया था, और पूरे ताजमहल की फिर से घसाई करनी पड़ी उसकी उस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए। एसिड रेन का ये इफेक्ट हुआ था कि ये बिल्कुल पीला पड़ गया था, जिस ताजमहल को देखने लोग विदेशों से आते हैं हमारे यहाँ, उसकी जो ओरिजिनल खूबसूरती थी वो कम हो गई थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, हम लोग कहते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने फिर पूरे घसाई का काम किया, पूरी तरह से मार्बल को साफ किया गया, और फिर से ये चमक रहा है। मतलब ये किसका इफेक्ट था, एसिड रेन का इफेक्ट था। ऐसे ही एसिड रेन का सामना किसको करना पड़ता है, प्लांट को करना पड़ता है। और प्लांट अपने इस एसिड रेन से, लीचिंग इफेक्ट से कैसे बचा रहा होता है, तो ये बचा पाता है क्योंकि इसके अंदर एक वैक्सी लेयर का कोटिंग मिल रहा था। तो इस वैक्सी लेयर के कोटिंग से ये अपने आप को लीचिंग इफेक्ट ऑफ रेन से बचा रहा था, इंटेंस इल्यूमिनेशन से भी बचा रहा था। हमने कहा बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत तेज इल्यूमिनेशन, लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, उससे भी ये बचा रहा था। कई तरह के हार्मफुल रेडिएशंस भी इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, है ना, सनलाइट के साथ साथ हम लोग कहते हैं समटाइम एक्सरे इज ऑल्सो कमिंग, है ना, हम लोग कहते हैं यूवी रेज इज ऑल्सो कमिंग, अल्ट्रा वायलेट रे भी यहाँ पृथ्वी पे पहुंच रहे हैं ना। तो इन रेडिएशन से जो हार्मफुल है हमारे लिए भी और प्लांट के लिए भी, ऐसे रेडिएशन के अटैक से भी ये क्या है, ये बचा रहा होता है। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का सबसे पोटेंशियल काम होता है अपने आप को ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल से बचाना। किससे बचाना, ग्रेजिंग कहते हैं घास खाने वाले जानवर को, और ब्राउजिंग कहते हैं ऐसे जानवर को जो पत्तों को खाता और पेड़ पे कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाती है। तो जैसे बकरी थोड़ी दूर तक चढ़ के पेड़ के पत्ते को खा सकती है, तो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल से ये बचाता है, है ना। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे बचाता है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखे, शार्प एंड स्टिफ हेयर एज इन क्यूकरबिटेसी। अब यहां पे रुकते हैं और हम लोग क्यूकरबिटेसी को समझाना शुरू करते हैं। क्यूकरबिटेसी किसी प्लांट का नाम नहीं है, क्यूकरबिटेसी एक फैमिली है, है ना, जिस फैमिली में कई प्लांट होते हैं, और कुछ कॉमन प्लांट तुम लोगों को नाम पता होगा, खीरा सबको पता होगा, कद्दू, कदीमा, है ना, हम लोग ये जो नाम कह रहे हैं ना, ये सब एक ही फैमिली, क्यूकरबिटेसी फैमिली के मेंबर हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में जो फैमिली है उसमें फैमिली का नाम है सोलेनेसी, उसमें फैमिली का नाम है लिलियेसी, उसमें फैमिली का नाम है ग्रामिनी, तो ये तुम्हारे सिलेबस की फैमिली है। लेकिन क्यूकरबिटेसी हमको जानना इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन सब्जियां गर्मियों की इसी फैमिली में होती है, जैसे हमने बताया कद्दू है, कदीमा है, लौकी है, है ना, ये सब्जियां क्यूकरबिटेसी फैमिली की हैं। और क्यूकरबिटेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स पे बिल्कुल शार्प और स्टिफ, बहुत नुकीला हेयर मिल रहा होता है। जैसे ही कोई एनिमल इसको खाने जाता है, ये नुकीला स्टिफ हेयर उसके मुंह में गड़ता है और फिर वो उसको छोड़ देता है। मतलब ये नुकीला स्टिफ हेयर क्यों मिला, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल। स्टिंगिंग हेयर की हम लोग बात किए थे, चुभने वाला हेयर, और ये नेटल्स में मिलता है, अगर पत्ते को पूरे बॉडी में रब कर दें तो ये इतना ज्यादा इचिंग होता है, इतने ज्यादा खुजाना शुरू करता है, रेडिश हो जाता है, कि अगर ज्यादा लगा दिया जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाने की नौबत आ जाती है। और
कोई भी ग्रेजिंग एनिमल इस स्टिंगिंग हेयर के प्लांट को नहीं खाता। इसका मतलब क्या था? प्लांट अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह की चीजें अपने बॉडी में डेवलप कर रहा था। लेमन ग्रास, सिलिका का पार्टिकल मिलता है लेमन ग्रास। हम लोग इसके बारे में फिर बताते हैं। तुम लोग एक साबुन का नाम सुने होगे, लिरिल, नाम सुने हो ना, और उसमें क्या लिखा रहता है, लिरिल का प्रचार देखते हैं। नींबू सी ताजगी, अब जरा सा लिरिल के फैक्ट्री में जाके देखो तो क्या वहां हजारों ट्रक का ट्रक नींबू आया हुआ है? नहीं, वहां क्या देख रहे थे, वहां ट्रक का ट्रक एक ग्रास है, लेमन ग्रास। इतना बड़ा प्लांट है, मिट्टी के से करीब करीब 4 फीट 3 फीट तक का ये ग्रास है, लंबा लंबा। उसका नाम है लेमन ग्रास। क्या नाम है उसका? लेमन ग्रास। अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं पे दिखता हो तो उस लेमन ग्रास का पूरा नाम है सिम्बोपोगोन साइट्रेटस। क्या नाम रखे हैं इसका हम लोग? इसका बॉटनिकल नेम है सिम्बोपोगोन साइट्रेटस। अब जरा लेमन ग्रास के बारे में हम लोग एक कहानी बताएं। अगर घर में लेमन का ग्रास लगा दिए, घर में हम लोग ये ग्रास लगाते हैं, अपने गमले में लगा देते हैं, और नींबू की चाय पीने की मन, नींबू की चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो नींबू की जरूरत नहीं है, बस उस ग्रास के छोटे से पत्ते को तोड़ो और चाय के पानी में डाल दो और अब चाय पियो, लाल चाय नींबू वाले, कोई नींबू की जरूरत नहीं, बिल्कुल नींबू का फ्लेवर मिलेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया लेमन। क्यों नाम रखा गया समझ में आ गया? लेकिन नेचर में ये था क्या? ग्रास था। और इसका बॉटनिकल नेम मैंने क्या बताया? सिम्बोपोगोन साइट्रेटस इज द बॉटनिकल नेम। और यही ग्रास जहां भी एसेंस की जरूरत होती है लेमन की, क्योंकि ये ग्रास नेचुरली बहुत आराम से ग्रो करता है, और अगर कल्टीवेट कर दिए तो कहने की बात नहीं। एक नींबू को यूज करेंगे, उसमें जितना एसेंस आएगा उससे कई गुना ज्यादा एसेंस इसके एक ग्रास के एक पत्ते में मिल जाएगा। उसके छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम लोग एक बाल्टी चाय बना दें और डाल दें तो वो उसके लिए काफी हो जाएगा। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा एसेंस होता है। अब हम लोग क्या देखें, अब इसमें खुशबू अच्छी होती है तो जानवर खाने का कोशिश करेंगे, लेकिन जानवर कोई भी जैसे ही खाएगा इसमें सिलिका का पार्टिकल उसको गड़ना शुरू करेगा माउथ में, और जो ही ये सिलिका का पार्टिकल मिलेगा कोई भी ग्रेजिंग एनिमल इस सिम्बोपोगोन साइट्रेटस लेमन ग्रास को नहीं खाएगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ सिलिका पार्टिकल इज अगेंस्ट द, वी कैन से दैट दिस इज अ मींस टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल। ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए इसमें क्या मिल रहा था? सिलिका पार्टिकल्स मिल रहा था। फिर इसी तरह से हम लोग बहुत से कच्चू की बात करते हैं, एरोइड्स की बात करते हैं, जिसमें जिसको खाते ही गले में खुजलाहट होती है, ऐसा देखे होंगे ना हम लोग, और मम्मी लोग जब ये बनाती हैं तो उसमें नींबू मिला देती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें रेफाइट्स मिलता है ना, ये केमिकल कंपाउंड मिलता है जो नुकीला होता है और इरिटेशन करना शुरू करता है। तो बहुत से कच्चू में, बहुत से एरोइड्स में रेफाइट्स पाया जाता है, इसीलिए कोई भी कैटल्स इस प्लांट को जल्दी नहीं खाता है। जब कैटल नहीं खाएगा तो फिर क्या होगा, जब कैटल नहीं खाएगा हम लोग कह रहे हैं, तो ये प्लांट अपने आप को बचा लिया। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ रेफाइट्स भी क्या करता होगा, एरोइड्स में पाया जाने वाला रेफाइट्स भी प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है। बेसिकली ये जितनी चीजें हम लोग बता रहे हैं, प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। किन चीजों से प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है? पहला अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, दूसरा फ्रॉम ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल, तीसरा फ्रॉम पोटेंशियल पैरासाइट, चौथा फ्रॉम एसी ड्रेन, और तमाम बाकी चीजों से प्लांट अपने को बचा रहा होता है, बैक्टीरिया से बचा रहा है, वायरस से बचा रहा है। ये प्लांट का अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज ए काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ये अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की चीजों को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। अब इसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है स्टोमाटा। क्यों पढ़ते हैं, तुमको समझ में आ गया? क्योंकि एक स्टेटमेंट हमने कहा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर एक्सेप्ट एट स्टोमाटा। स्टोमाटा को छोड़ दो तब तो ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। इसका मतलब स्टोमाटा कहां पे मिला? दे आर पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मिल रहा था, इसलिए हम लोग कहेंगे दे आर पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोमाटा। अब स्टोमाटा को हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। देयर आर टू प्लेसेस टू स्टडी स्टोमाटा, वन इज एनाटॉमी एंड अनदर इज व्हाट, फिजियोलॉजी। तो वी विल डिस्कस इट इन एनाटॉमिकल पोर्शन। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और फिर हम बता रहे हैं कि कहां मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा स्टोमाटा, किन पत्तों में मिलेगा, किन पत्तों में ज्यादा मिलेगा, इन चीजों पे क्वेश्चंस आया हुआ है। और फिर यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल रटेंगे नहीं कि कहां पे ये मिलेगा। हम लोग कहते हैं सबमर्ज प्लांट्स में जो पत्ता पानी में डूबा हुआ वो कहां मिलेगा, जो प्लांट पानी में फ्लोट कर रहा हो वहां पे स्टोमाटा कहां मिलेगा, जो प्लांट डेजर्ट में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, जहां पानी की बहुत कमी है, वहां पे स्टोमाटा कैसा मिलेगा, इन चीजों को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट स्टोमाटा, और स्टोमाटा को पढ़ने की सही जगह यही है, ठीक है।